फ्रेंड्स, मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी एक साइट है, उस पर जो भी काम होता रहेगा उसकी मैं लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहूंगा। तो अब हम उसी साइट पर आज फिर से आए हैं और देखते हैं वहां पर कितना काम हो चुका है और क्या क्या काम बाकी रह गया और कितने अच्छे तरीके से किया गया है। ये सब हम आज इन बारीकियों को देखेंगे। तो हम देखते हैं इस साइट पर जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि कॉलम की फिनिशिंग कास्टिंग कितने अच्छे तरीके से की गई थी। तो वो चीज़ जो है हम पहले ही लास्ट वीडियो में देख चुके हैं और अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ब्रिक वर्क हुआ है वो कितनी सफाई से हुआ है। और आप देख रहे होंगे इस समय जो है ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुका है, इस पर स्लैब कास्टिंग होना बाकी है। और यहाँ पर जो है ये आप विंडो देख रहे होंगे, ये एक विंडो है, इसके पीछे की तरफ में रास्ता है, इसलिए रास्ते के साइड में विंडो लगा दी गई जिससे एयर सर्कुलेशन अच्छे तरीके से बना रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर उसके साथ में एक छोटा सा वेंटिलेशन के लिए जिसमें एग्जॉस्ट फैन वगैरह आप लगा सकते हैं उसकी भी जगह दी गई है। और आप यहाँ पर जो विंडो देख रहे हैं इसमें जो बार का यूज़ किया गया मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी इनमें जो प्राइमर करने के बाद ही विंडो का जो स्ट्रक्चर है उसको लगाया गया है और ये स्क्वायर शेप वाला जो हमारा बार होता है उसको यूज़ किया गया है विंडो बनाने में। और यहाँ पर जो ये एंगल यूज़ की गई है ये 40x40x8 इसका साइज है, ISI हॉलमार्क आप देख रहे होंगे। काफ़ी मोटी एंगल का यूज़ किया गया है विंडो बनाने में भी। और ये देखिए विंडो इधर भी है, एक रास्ता लेफ्ट में है और एक राइट साइड में है, हम अगर जहाँ भी देख रहे हैं जिस पोजीशन में हम खड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल में। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक विंडो के ऊपर एक छोटा सा लिंटल टाइप में डाला है इन्होंने और इधर इन्होंने एक 9 इंच का बीम भी डाला हुआ है। विंडो के ऊपर एक लिंटल है फिर एक 9 इंच का बीम डाला हुआ है उसके ऊपर। इस फेस में आप सामने के फेस में आप देख रहे हैं 9 इंच की वॉल है। और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो है ये हमारी 4 इंच की वॉल है जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में ड्वार्फ वॉल या फिर पर्दा दीवार भी कहते हैं। आप इसको स्ट्रेचर बॉन्ड भी कह सकते हैं ब्रिक मेसनरी में, जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं जो स्टडी के टाइम पे। और आप सामने देख रहे होंगे ये जो ब्रिक वर्क है ये हमारा इंग्लिश और फ्लेमिश से अलग अलग टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो हमने कौन सा यूज़ किया है आप कमेंट कीजिए हमारे वीडियो में कि इस समय सामने आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये कौन सा बॉन्ड है। और इधर जो वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको कौन सा बॉन्ड है, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी तरफ, दूसरा कमरा है। और चलते हुए हम यहाँ देख लेते हैं ये डोर यहाँ पर दिया हुआ है, डोर भी काफ़ी हाइट तक है, ऊपर वेंटिलेशन के लिए भी दिया गया है, काफ़ी ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर भी जो डोर के लिए एंगल को यूज़ किया गया है ये जो एंगल है काफ़ी मोटी है, 8 mm की है और काफ़ी हैवी भी है। और ये डोर का जो साइज है लगभग 3 फुट का है। और अभी ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है इसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेट 11.5 फीट है जिस पर स्लैब को कास्ट किया जाना है। और ये आप सामने देख रहे होंगे सामने 2 कमरे इस तरफ हैं और 1 कमरे में हम खड़े हैं। और ये बाहर जो है ये इनका पोर्शन है खाली, यहाँ पर ये अभी टॉयलेट वगैरह जो बनाने हैं वो बाकी हैं। तो अभी हम दूसरे कमरे में देखते हैं यहाँ इन्होंने क्या है कि इनका जो ये प्लॉट है ये 3 तरफ से रास्ते की तरफ में आता है। तो इन्होंने क्या किया है कि इधर वाले जो कमरे हैं इनको दुकान के पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया है। तो इन्होंने आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये कॉर्निश बनी हुई है, ये जो कॉलम है कॉलम के साइड में एक और बना रखा है ब्रिक मैसनरी का। तो ये इन्होंने इस हिसाब से बनाया है कि फ्यूचर में कभी इन दीवारों को हटा करके ये दुकान का भी शेप दे सकते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बीम डला हुआ है और यहाँ भी एक विंडो है, एग्जॉस्ट फैन के लिए भी जगह दी गई है। और बाकी सभी कमरों का साइज एक ही है। यहाँ पर भी इनकी ब्रिक जो है ये अलग लगी हुई स्ट्रेचर बॉन्ड है यहाँ पर। और ये रोड साइड है तो रोड साइड में इन्होंने शॉप की वजह से यहाँ पर स्ट्रेचर बॉन्ड यानी 4 इंची वॉल ली है। और ये इनर वॉल
मैक्सिमम जो है 4 इंची ही ली जाती है दोस्तों। आप कहीं पर भी देखेंगे जो आउटर वॉल होती हैं वो 9 इंच में चिनाई की जाती हैं। अब उस तरफ हम पहले खड़े थे, उधर से इधर वीडियो बनाया था, अब हम उधर से इस कमरे में आए हैं तो सामने आप कमरे देखेंगे तो सामने से भी दोनों का एक ही साइज है। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो ओपन एरिया है यहाँ इन्होंने सेपरेट रूम के हिसाब से हर रूम को एक एक टॉयलेट प्रोवाइड किया है। और यहाँ इन्होंने अभी फ़िलहाल में ये अंदर का पोर्शन है और ये छोटे स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इनको स्लैब कास्ट करने के बाद भी हम बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जैसे होती रहेंगी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल आपको बताता रहूँगा एक मकान बनाने में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अभी हम इस रूम में देखते हैं, एक और रूम है इसमें देखते हैं तो सेम यही रूम भी उसी तरीके से है। यहाँ पर भी इन्होंने 9 इंची की वॉल ली है, कॉर्नर दिया है और विंडो लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ भी इनका रोड साइड में पड़ रहा है तो ये यहाँ पर भी दुकान निकालने के लिए बाद में इन्होंने फ्यूचर के लिए इन्होंने छोड़ रखा है। ये देखिए एक शॉप के दो दरवाजे होंगे, एक सामने की तरफ और एक इस तरफ, इसलिए इन्होंने पहले से ही इनको इस तरह का शेप दे रखा है। और दोस्तों यहाँ जो इनका स्ट्रक्चर है ये जीने का स्ट्रक्चर होगा यहाँ से, तो पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, इसके नीचे आई थिंक सेपरेट टॉयलेट देंगे तो पहले से ही वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है स्ट्रक्चर। और दोस्तों बाकी जैसे जैसे अब इसमें काम होता रहेगा मैं आपको सीधे अपडेट देता रहूँगा। और अभी ये जो स्ट्रक्चर है ब्रिक वर्क कंप्लीट होने के बाद इसमें शटरिंग की जाएगी और शटरिंग करने के बाद फिर कास्टिंग की जाएगी। और अभी फ़िलहाल में इसको अभी 2 दिन पहले ये काम ख़त्म हुआ है ब्रिक वर्क का, तो इसको सूखने के लिए छोड़ दिया गया है। आप ब्रिक वर्क की सफाई देखिए कितने अच्छे तरीके से की गई है, और जो ओनर होता है उसकी डिमांड भी यही होती है कि ब्रिक वर्क जो है काफ़ी सफाई से होना चाहिए ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ये देखिए आप देख रहे हो इसमें ग्रुपिंग की गई है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे ब्रिक वर्क है और यहाँ पर ये देख रहे होंगे यहाँ पर वी ग्रुपिंग की गई है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर वी टाइप का ग्रुपिंग बनाया हुआ है। वैसे तो हम इनको अलग अलग शेप में बना सकते हैं लेकिन जब हम इन वॉल्स पर प्लास्टर कर देते हैं तो ये ढक जाती है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिजाइन नहीं निकालते हैं। जो आउटर वॉल होती हैं वहाँ पर जैसे स्कूल कॉलेजेस की बाहर की दीवारें होती हैं वहाँ पर हम ग्रूविंग देते हैं, तो ग्रूव जो होती है वो वी शेप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है, तो अलग अलग शेप की हो सकती हैं। तो यहाँ तो फिलहाल सिर्फ अभी ब्रिक वर्क होने तक ही इनको इस तरीके से किया गया, बाकी ये प्लास्टर वर्क हो जाएगा तो ये भी ढक जाएगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। और आगे भी आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेट कीजिए मुझे। थैंक यू दोस्तों।